पांच दिन तक प्रदेश में बारिश की चेतावनी। बारिश के साथ हो सकती है ओलावृष्टि। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। दोस्तों नमस्कार, आपके साथ में योगेश वत्स। दोस्तों कल से हरियाणा में मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिन यानी कि 9 जनवरी तक प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आज उत्तरी हरियाणा के कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि भारी बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। इसी के साथ 9 जनवरी तक प्रदेश के अंदर रुक रुक कर कहीं हल्की तो कहीं ज्यादा बारिश, भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दूं कि इस समय किसान भी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कर रहे हैं। ऐसे में फसल के लिए इस बार इस बारिश को फायदेमंद माना जा रहा है। अगर तेज बारिश होती है तो ये पहले पानी की पूर्ति कर देगी और अगर हल्की बारिश होती है तो गेहूं की फसल को पर्याप्त नमी मिल जाएगी। माना जा रहा है कि इस बारिश से गेहूं सहित अन्य जितनी भी फसलें होती हैं उनको लाभ मिलेगा। वहीं आज सुबह से ही सोनीपत के आसपास के इलाके में बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया है और इसके साथ सर्दी भी बढ़ गई है, तापमान गिर गया है। वहीं कल मंगलवार को भी दिन भर कल बादल छाए रहे थे और कहीं रुक रुक कर बूंदाबांदी भी, हल्की बारिश भी हुई थी। वहीं आपको मौसम बदलने का दोस्तों अगर मैं कारण बताऊं तो मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवा और राजस्थान के ऊपर एक चक्रवातीय परिसंचरण बनने से प्रदेश में ज्यादातर क्षेत्रों में 9 जनवरी तक बारिश होने के आसार बने हुए हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 9 जनवरी तक प्रदेश में बारिश हो सकती है। दोस्तों फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें केएनएन मीडिया के साथ। नमस्कार।